चित्तौड़गढ़ SPOI शंभूपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ही कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 क्विंटल अधिक अवैध अफीम टोटा चूरा जब्त किया है। बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एक आरोपी को नामजद भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया है कि जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत ही थानाधिकारी शंभूपुरा नेत्राम उन्नी द्वारा ही थाने के पुलिस जब्ता हेड कांस्टेबल शंकेंद्र सिंह कानी हरफूल और योगेंद्र कुमार मंगल सिंह संदीप और गजेंद्र के साथ ही थाना शंभूपुरा सर्कल में गश्त के दौरान ही मीरों के कांथरिया से बिलोदा की तरफ से आने वाली रूट पर सामने से एक कार आई जिससे रुकवाने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा ही गाड़ी को धीरे करके पास में आने पर अचानक गति बढ़ा दी गई। बता दें कि सार्च से निकलकर वहां से फरार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से एक गाड़ी और आती हुई दिखाई वहां पर पड़ी जिस पर गाड़ी के पास से आने पर सरकारी गाड़ी आड़े लगाकर रुकवाया तो चालक द्वारा ही गाड़ी को रोककर नीचे उतरकर भागने का प्रयास करने लगा जिस पर जब्ते की मदद से उक्त स्कॉर्पियो के चालक को रोककर नीचे उतारकर संदिग्ध होने से गाड़ी की नियमानुसार तलाशी ली गई तो गाड़ी में काले रंग के पट्टे भरे हुए होना पाया गया है जिस पर उक्त कट्टों को गाड़ी से नीचे उतारा गया। बता दें कि वजन ज़्यादा था। बता दें कि क्विंटल 7 किलोग्राम हुआ और जिस पर अफीम टोडा चूरा भरा हुआ था। बता दें कि आरोपी रेवरिया कला थाना क्षेत्र की भदेश्वर निवासी रतन सिंह पुत्र बाग सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने उक्त अफीम टोडा चूरा और स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे कार लेकर चल रहे रेवरिया कला थाना भदेश्वर रतन लाल पुत्र मिट्टू लाल गाडरी का होना बताया जा रहा है। इस पर उक्त व्यक्ति भी नामजद कर लिया गया है। बता दें कि NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।